दोस्तों, अगर आप ऑप्शन माइंग करते हैं और आपको एक ट्रेड में ही बड़े टारगेट चाहिए, तो आप सबसे पहले 1 आवर का चार्ट यूज करेंगे और इसके अंदर आप पिवोट पॉइंट इंडिकेटर लगाएंगे। अगर निफ्टी डाउनसाइड है तो आप ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जिनकी आवरली चार्ट के अंदर कैंडल की क्लोजिंग पिवोट पॉइंट इंडिकेटर के सपोर्ट 1, 2, 3 या 4 के नीचे हुई हो। ये स्टॉक्स आप टॉप लूजर्स में से भी पिक कर सकते हैं। वहीं अगर आपको अपसाइड खेलना है तो सबसे पहले निफ्टी ग्रीन में होनी चाहिए और यहाँ आप टॉप गेनर में से स्टॉक पिक करेंगे। फिर इसके अंदर आपको उसी स्टॉक के अंदर कॉल बाय करनी है जिसके अंदर आवली चार्ट के अंदर कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस 1, 2, 3 या 4 के ऊपर हुई हो। आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और दोस्तों, ऐसी और लर्निंग के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।